तो जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तो मेरा नाम है इस्माइल अली और मेरी तरफ़ से मेरे तमाम जितने भी दोस्त हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूवर्स हैं जो कि मेरी वीडियोस के ऊपर आते हैं, उन सभी का वेलकम है मेरी इस वीडियो के अंदर। और आज की जो वीडियो है ये काफ़ी अच्छी, मैंने कुछ ना बहुत अच्छा ही डिफरेंट सा मैं टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए। व्लॉग तो हम बनाते ही रहते हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि मिस्टर शामी को भी याद रखें अपनी इस गुफ्तगू में, अपने इस चैनल में, जो कि मिस्टर शामी जो कि एक यूट्यूब की बीमारी कह लें उसे, कि जो कि व्यूज़ के लिए बंदा कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। कि ये कभी किसी के खिलाफ वीडियो बनाता है, कभी ये किसके खिलाफ। आज मैं आपको सारी डिटेल में इसकी जो कि बताऊंगा। आजकल ये मुबशर सदीक की ये तरले मिनते कर रहा है, अपनी वीडियोस के अंदर ही शो करवा रहा है कि मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है। और इसकी वीडियोस बात सुने ज़रा एक बार ना, इसके भाई की ना बात सुने, ठीक है। उसके बाद बाकी की बात हम बाद में करते हैं, पहले आप भाई की बात सुने, भाई कहते क्या हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। मेरे ना एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा शामी भाई मैं मुबशर सदीक के खिलाफ वीडियो बना रहा हूँ, लोग मुझे बुरा कह रहे हैं। आप उसके हक में बना रहे हो, लोग फिर भी गलत कमेंट कर रहे हैं। और भैया लोगों ने तो कमेंट करनी है, तुम्हारी कमेंट कर करके उन्होंने तुम्हारा सर खाना ही है, क्योंकि तुम है ही इस काबिल इंसान हो, ठीक है। तुम करते क्या हो आजकल, जो तुम्हारा सिस्टम एक ही चल रहा है कि मुबशर सदीक किसी ना किसी तरीके से तुम्हारे ऊपर तरस खा ले और तुम्हें अपनी वीडियो किसी के अंदर अपना शॉर्ट आउट दे दे। भैया उधर से तुम्हें शॉर्ट आउट नहीं मिलना, तुम्हें चिट्टा कोरा जवाब है, ठीक है। और उन्होंने वो अपने भाइयों को पता नहीं किस तरीके से उसने शॉर्ट आउट दे दिया, वो भी कोई इतना कोई सीधा इंसान नहीं है, वो उसके अंदर भी इतने बाल हैं जितने जलेबी के अंदर हैं। और आपको मैं फिर दिखाता हूँ, यानी कि शामी भाई कहते हैं कि मेरे आइडियल है, तो आइडियल भी देख लें कि इनका आइडियल कौन है, वीडियो के अंदर देखिएगा, फिर हम दूसरी बात शुरू करते हैं। वीडियो को इंजॉय करें और ये दिल पर बात नहीं लेनी, ठीक है शामी भाई। अगर वीडियो देख भी लो ना तो वीडियो दिल के ऊपर बात नहीं लेनी, नेक्स्ट टाइम जो बातें करूँगा वो चाहे दिल पे ले लेना, ठीक है। ये वाली बातें दिल पे ना ले, ये तो नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ। अभी आपकी वीडियो जिथे अगर साढ़े आइडियल्स नाल गलत हो रहा होवे ते उत्थे ते साडा हक बनदा है, असीं बोलिए मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अब भाई कुछ दिनों तक शामी भाई आपने ना मुबशर सदीक भी इसी तरह ही आपने वही हाल करना, मुबशर सदीक का जिस तरीके से आप उनका करते रहे ना, अली वीर का और फियाज़ का, वो इसी तरह ही आपने इनका भी करना कुछ दिनों तक। आपके देखना आपने अपना रंग ना खुद ही दिखा देना, ये गारंटी के साथ मैं ये बात कहता हूँ कि आपने ये बात करके ही रहनी है। और मुझे जहाँ आप पता है कि आप मेरी उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरेंगे, आप मुबशर सदीक को भी आप अपनी वीडियोज़ के अंदर झगड़ा लगाएँगे। और अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो रही हो ना तो अपने किसी ना किसी चेले चमचे को भेज के कहना कि यार कमेंट में इधर गालियाँ गलोच की कर दे, तो मैं बाद में उसे रीड कर लूँगा और नेक्स्ट टाइम मैं फिर और मसालेदार वीडियो आपके लिए तैयार करूँ। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी सी ठंडी मट्ठी है, क्योंकि एक मैं बात बता दूँ, आज की वीडियो में इसीलिए मैं यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ कि ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो बनाऊँ ना तो मैं अच्छा टॉपिक इसके अंदर मैं और घसीटूँ। इसे मैं थोड़ा बहुत अभी तो मैंने किया नहीं, मैं जल्दी जल्दी में थोड़ी सी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और नेक्स्ट टाइम आप देखिएगा कि मिस्टर शामी के लिए ना एक बहुत ही फुल रोस्टिंग टाइप वीडियो लेकर आऊँगा। और अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा मुझे, और कमेंट करना ना भूलिएगा कि ये इंसान को आप जानते हो या नहीं जानते। चले अगर नहीं जानते तो आप जान ही होंगे, आधा थोड़ा बहुत तो आप जान ही गए होंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।